ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਭੋਲੇ ਦੇ ਭੋਲੇ ਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਯਾਰ ਅਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਭੋਲਾ ਬਾਬਾ ਰਿਆ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਭੋਲੇ ਕੀ से नो टू ड्रग्स मतलब छक्का ड्रग्स पियो भाई बता दिया भाई किसी और की भाभी भूबे पे दिला रहे हो तो लव मैरिज की दुआ मांगना रहे हो अरेंज ने लव में तब्दील करना रहा भाई ना लव ना अरेंज में गलत हो गया था भाई डाक के बीच में एम्बुलेंस आ रही है और भाई रास्ता दो डाक भी जरूरी है पर पहले किसी इंसान की जिंदगी जरूरी है भाई चैनल को सब्सक्राइब करो भैया बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है लो तो रोम भाई सारे नए स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी व्लॉग्स में मैं हूं आपका होस्ट केतीश वेदी और फिलहाल भाई मैं खड़ा हूं भाई बेबे और फोटा जाम लग रहा है भाई हाले नहीं रहे हाले कितने भाई निकाल रही यार मैं जान ला रहा हूँ पापा ही ससुराल में मतलब बोले पापा ही ससुराल में कनखल जान ला रहा हूँ हाँ भाई फैमिली है मेरी बोला हुआ माँ बापू दोस्त बड़ा भाई सब कुछ है शिव भगवान क्या आपके लिए मेरा मेरा फैमिली है मेरा बाप है मेरा फ्रेंड है मेरा ऑनेस्ट फ्रेंड है दादा परदादा सबकी मैं भाई हूँ वो है तो सब कुछ है वो है तो हवा है नहीं तो सब मृत्यु है अंत है वो सब कुछ दो घंटे हो गए दाम मगड़े डाक में कमानी रुक रहा पर बाइक बजा बजा का इन बजा तार तार का भाई बढ़िया है डाक की सही रुकनी भी नहीं चाहिए सारे बोले आई टाइम पर डाक पहुंच जा भाई हम वो हिस्सा में देलो भूनी डाल भाज रहे हैं बोले तगड़ी डाला जाम के बीच में भाई बोले ने हिम्मत दी है बोले ने रास्ता दिया है भाई भीड़ इतनी हो गई है बोले ने भाई ठाठा तरनी पड़ रही है देख लो कितनी आग जाम लाग रहा है क्योंकि डाक रुक नहीं सकती और ये बोले रोक नहीं सकते भाई डाक के बीच में एम्बुलेंस आ रही है और भाई रास्ता दो डाक भी जरूरी है पर पहले किसी इंसान की जिंदगी जरूरी है भाई इंसान है तो डाक हो जाएंगे यार इंसान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे भीड़ है भाई लेकिन रास्ता दो भाई हमने तो साइड में ले लिया हम तो रात ना पहुंच जाएंगे किसी के जीवन तो ऊपर कुछ नहीं है भाई देखो एम्बुलेंस का बंदा साइड कराना लग रहा है भाई कुछ साइड दे भी रहे हैं भाई कुछ भाई भीड़ के कारण क्या करें आगे भाई दक्षेश्वर महादेव मंदिर खूब भीड़ है भाई मैं तो पहली बार आया हूँ इतनी भीड़ छक्का है और भाई बारी अपनी गंगा मैया स्नान कर ले भाई मैं तो कपड़े भी ले रहा हूँ ना कभी ना आड़े ना होंगे गंगा मैया में बतेरे छक्के भोले नहान लग रहे भाई कावड़ भी आह्वान कर रखी है यहाँ पे पानी तो कुछ को ना भाई देख लो बीच में भी कती इनू ला लो छाती थी यानी इनकी हाइट भी 4.5-5 फट पाओगी बाकी पानी बहुत बढ़िया तेज बहा पानी है भाई पूछेगा भोला भाई कितना रहे भोले भोला फिट है भाई भोले कितना रहे हो जय भोले की पहले कितना रहे हो डाक लेना रहे हो पैदल ले टुकर रहे हो डाक लेना ये मांगना भाई भोले से हटा जा लामने यार बतेरा थोड़ा थोड़ा है कैमरे में ना आता ये मांगो भोले से और की मेरे थोड़ी छाती चलो भाई भगवान खुश रखे माँ बापू ने ठीक है भाई जा बोलेगी बोले बोले तो और पूछे हैं भाई के करना रहे बोले कितना रहे है कहाँ था रहे हो कहाँ थे गालन गालन थे अच्छा तेज बोल भाई बीच में नहीं आओगा ना आवाज क्या मैं पैदल आ रहे हो डाक मारे हो जल लेना रहे हो क्या पा रहे हो भाई कब है के मांगना बोले थे बोले थे माँ की दुआ माँ की दुआ तो गिल्ला है अरे माँ तो गिल्ला है बोला बाबा रे तो और के मांगना है लगाई थोड़ी नौकरी करे ना पूरा चल भाई जा बोलेगी बोले भाई टी शर्ट देखो पहले बोलेगी से नो टू ड्रग्स मतलब छक्का ड्रग्स पियो भाई ये नहीं कहना चाहता ड्रग्स मत पियो यो कहना चाहो कितना रहा बोले दिल्ली से डाक मारे हो इतना बड़ा कौन लेकर जाएगा भाई हो 50 लीटर की क्या बाइक मारे हो अच्छा ये मांगना बोले चलो नहीं खाता ब्याह रहा होगा आप बताओ के मांगना है बोले थे ऊपर आ जाओ भाई मेरी हाइट छोटी है के मांगना बोले थे कुछ तो मांगना होगा लगाई टूना टोटका ग्रास बोले पूरी नहीं करते हो बोला बता दिया भाई किसी और की भाभी भूबे पे दिला रहे हो तो लव मैरिज की दुआ मांगना रहे हो अरेंज ने लव में तब्दील करना रहा भाई ना लव ने अरेंज में गलत हो गया था तो भाई चलो भाभी मिले भाई अगली बार आओ जब कट्टे तोड़े मटर का मारियो ठीक है बोले जा बोलेगी दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखड़
तो भाई इस मंदिर के बारे में ये है कि यहाँ पर राजा दक्षिण है ना, प्रसिद्ध यज्ञ किया था और सती ने अपने पिता के द्वारा अपमान, भगवान शिव का अपमान करने के कारण उस यज्ञ में खुद को दाह कर लिया था। यहाँ पर भाई सावन महीने में भगवान शिव वास करते हैं कनखड़ में, इसलिए यहाँ को मतलब शिव भगवान की ससुराल कहा जाता है। तो चलते हैं भाई मंदिर के अंदर, गंगा में नहा के मजा। ये है भाई वो प्रतिमा जब सती ने उस यज्ञ के अंदर अपने आप को दाह कर लिया था, और यो भाई वो राजा दक्ष कुंड, मतलब राजा दक्ष ने जो प्रसिद्ध यज्ञ किया था उसका कुंड। और इस यज्ञ कुंड के सामने भाई बिल्कुल हमारे बाबा भोले का शिवलिंग। आठ जितनी भर डर भाई, कितनी देर हाथ लाए रहो, एक दिन लड़े क्योंकि भोले बाबा के आशीर्वाद लेना आ रहे हैं। मंदिर के अंदर घुसते ही भाई ये है वो यज्ञ कुंड जहाँ पर राजा दक्ष ने प्रसिद्ध यज्ञ किया था, ये उसका हवन कुंड है। और यो भाई हमारे महादेव का मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर। भीतर तो फोटो वीडियो अलाउड नहीं है। भोले बाबा मंदिर के सामने है भाई सती कुंड। बम 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 बम, हरे हरे महादेव। और ये भाई हमारे महादेव का शिवलिंग, दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दर्शन हो गए एक नंबर के, कतिनु गच जितना जाम था ना उतनी सारी तखान दूर होगी भाई। कतिनु गच दर्शन हो गए भाई, मजा आ गया। मतलब बाबा धरो बैठ गया, कति सारा बैठा लिया बाबा ने, कति गोद में बैठा उन्होंने लाले। तो भाई वीडियो में क्यों अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर करियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट मारो और महादेव का डूडा उठा दो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, जय श्री गंगे मैया की जय। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।